अब हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड ज्वर के फैलने के कारण। अगर हम बात करें टाइफाइड ज्वर, हमने ये देखा कि बहुत ही खतरनाक बुखार है जो कि किसी भी उम्र में हो सकता है मोस्टली, लेकिन जो कॉमन एज है वो दैट इज 5 to 20 ईयर्स। अब हम देखें कि इसके कारण क्या है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मेन जो इसका कारण है दूध और दूध के बने जो प्रोडक्ट हैं उनमें ये जीवाणु बहुत तीव्र गति से डेवलप होते हैं। लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। सबसे पहला अगर हम कारण देखें तो दूषित जल, भोजन, दूध और अन्य पदार्थ। यदि हमने ऐसा जल पिया जो कि दूषित है, गंदा पानी का सेवन करना, पेय पदार्थ जो मार्केट में मिलते हैं, जूसेस है, गन्ने का रस है या कोई कोल्ड ड्रिंक है बहुत पुरानी, कोई बच्चों ने फ्रूटी या इस तरह का जूस ले लिया डिब्बा, जो कि हम देख सकते हैं कि सील पैक होते हैं और जिसपे एक्सपायरी डेट बिल्कुल क्लियर नहीं होती, उसमें इतना धुंधला लिखा हुआ होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमें इसका सेवन कब तक करना है। और खासकर अगर बच्चे जो देखें तो बच्चों को तो बिल्कुल उसका टेस्ट का भी नहीं पता चलता, वो अगर दूषित होता है तो भी वो उसको पी जाएंगे। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है जब हम बच्चों को दे रहे हैं या खुद पी रहे हैं तो हमें उसमें अच्छे से देखना चाहिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोजन, भोजन जो दूषित हो जाता है, बाजार से हम भोजन खरीदते हैं, बाजार भोजन जो बाहर पड़ा रहा खराब हो गया, बासा हो गया, बिना ढका हुआ भोजन हो गया, दूध और अन्य पदार्थ। मैंने जैसे पहले भी कहा कि दूध जो होता है उसमें इतनी तीव्र गति से डेवलप होते हैं कि दूध में ना तो उसके टेस्ट में हमें फर्क पता चलता है, ना गंध में पता चलता है, ना वो दिखने में फर्क लगता है और उसका सेवन कर लेते हैं। और मोस्टली दूध का हम बात करें सेवन का तो बच्चे करते हैं, इसलिए ये जो बुखार जो है छोटे बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है। तो पहला रीजन यही है कि दूषित जल का सेवन, भोजन का सेवन, कोई पेय पदार्थ या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट है पदार्थ है उनका सेवन करने पर ये रोग बहुत अधिक फैलता है। दूसरा है रोगी का मल। जो रोगी का जो मल होता है, ठीक है, जिसको ये बुखार हुआ उसने जो मल किया उस मल में ये बैक्टीरियास होते हैं और उस मल के ऊपर मक्खियां बैठ जाती हैं। वो मक्खियां जो दूसरे भोजन पे बैठती हैं और उस भोजन का सेवन करने से दूसरे व्यक्ति को ये रोग हो सकता है। तो मल से भी ये बहुत अधिक फैलता है। फिर वो मल जो है रोगी का मल जिसमें ये बैक्टीरिया है, वो उसको खाद की तरह अगर यूज कर लिया जाए और वहाँ पे जो सब्जियां उगती हैं उनके सेवन से भी ये रोग हो जाता है। वो जो मल है उस मल को वो पानी में जहाँ पे झरना है या नदी गांव में उधर वो मल करते हैं, तो उस पानी के सेवन से रोगी को ये रोग हो सकता है। मक्खियां एक बहुत बड़ा कारण है इस रोग को फैलाने में। गांव में खुले में शौच करा जाता है और वहां पे जिसको ये बुखार होता है उसके शौच पे मल पे मक्खियां बैठती हैं, वो मक्खियां उड़ के भोजन पे बैठती हैं। बाजार का अगर हम रेडीमेड भोजन खरीदते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं वो ढका हुआ नहीं होता, मिठाइयाँ होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, ठेले वाले खड़े रहते हैं उन पे वो मक्खियाँ बैठती हैं और उसका सेवन करने से ये रोग फैलता है। और मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बासी बिना ढका हुआ भोजन, अगर भोजन बहुत बासा है, कई बार हम बासा भोजन कर लेते हैं हमें उसमें टेस्ट में चेंज भी नहीं लगता, लेकिन हो सकता है वो दूषित हो, तो बहुत पुराना बिना ढका हुआ भोजन पे क्या, उस बिना ढके हुए में हम फिर वही बात कर रहे हैं कि उस पे मक्खियाँ बैठ जाएंगी, धूल मिट्टी आ जाएगी और जीवाणु आ जाएंगे। तो हमेशा भोजन को ढक के रखिए और बासा भोजन का सेवन न करें। देन व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल क्लेंलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस डिजीज। जो व्यक्ति जो है उसको हमेशा नहाना चाहिए, तौलिया उसका अलग होना चाहिए, मल करने के बाद शौच करने के बाद उसको अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि क्लेंलीनेस जो है, पर्सनल क्लेंलीनेस है, वो भी इस रोग को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदे पानी में नहाना नहीं चाहिए, गंदे पानी के नहाने से, गंदे कपड़ों को पहनने से और सोप नहीं यूज करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस रोग का कारण बन सकती है। देन सड़े गले फलों व सब्जियों का सेवन। बाजार में जो फल मिलते हैं कई बार बहुत सड़े गले होते हैं, सब्जियां भी बासी और सड़ी हुई होती हैं, यदि उनका सेवन कर लिया जाए तो भी ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में डेवलप हो सकता है। खुले में शौच जाना, खुले में जो शौच जाते हैं उससे मक्खियां उस पर बैठेंगी और इस रोग को
फैलाएंगी। तो खुले में शौच नहीं करना है, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। शौच जाने के बाद अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोए ताकि ये रोग किसी को भी ना हो और आपको भी ना हो। अज्ञानता व अशिक्षा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में खासकर डिसीजेस फैलने का, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर। उन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि, और मेन अगर हम बात करें तो किस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि कैसे हमें फूड लेना है, कैसे हमें अपनी व्यक्तिगत सफाई रखनी है, और रोग हो जाना है तो कैसे ट्रीटमेंट लेना है। रोग होने पर लोग डॉक्टर्स के पास न जा करके तांत्रिक के पास जाते हैं, साधुओं से इलाज कराते हैं, जिससे ये रोग और अधिक बढ़ जाता है। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट लेना है, फिर उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों में वैक्सीन कराएं। टाइफाइड का वैक्सीन लगता है, उसको अगर हम वैक्सीन लगा देते हैं तो ये रोग नहीं होता है। तो ये चीज़ों का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और स्वच्छ भोजन करना है, दूध वगैरह को उबाल के रखना है, कच्चे दूध का सेवन नहीं करना, प्रदूषित जल का प्रयोग नहीं करना, खुले में शौच नहीं करना, जो भी फैक्टर्स हैं उन सबकी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। रोगी के झूठे बर्तनों में भोजन का सेवन करना, कोई लोग जो होते हैं वो उसी जो रोगी का जो बर्तन होता है उसी का प्रयोग कर लेते हैं कि हमारे बच्चे का ही तो बर्तन है, प्रयोग कर लेते हैं। नहीं, जिसको जो रोगी है उसके जो बर्तन है उसको अलग रखना है, उनको बहुत अच्छे से धोना है, और जब तक वो पूरा ठीक नहीं होता उन बर्तनों का सेवन किसी और व्यक्ति को नहीं करना है। तो रोगी के जो बर्तन है, रोगी का बिस्तर है, रोगी की जो भी चीज़ें हैं उन सबको अलग रखें। उन बर्तनों को और उसके सामान को धोते हुए हमें सैनिटाइज करना है, उनको प्रॉपर इस तरह से यूज़ करना है कि उनमें जो बैक्टीरिया है वो डेवलप ना हो। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बहुत प्रॉपर वॉश करना चाहिए हर चीज़ को। देन साबुन, शौच के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोना, ये एक ट्रेंड देखा जाता है खासकर विलेजेस में। दे यूज़ मिट्टी हाथ धोने के लिए, मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिससे और अधिक जर्म्स आ जाते हैं। तो हमेशा शौच में जाने के बाद साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ पानी से हाथ धोने चाहिए ताकि ये रोग आगे की ओर ना फैले, और उनको भी ना हो और उनके घर वालों को भी ना हो। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, अगर व्यक्तियों को, सब लोगों को इसकी नॉलेज दे दी जाती है, तो ये रोग बहुत हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज।